चाय बना रही हूँ अभी। थोड़ा कड़क चाय पी के फ्रेश फील करूँगी, तो थोड़ा काम कर पाऊँगी। आज बहुत ही काम था। यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ और हमारी स्पेशल चाय बन के रेडी हो गई है। चाय पीने के बाद मैं रफा को खाना खिला रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का थोड़ा काम और फिर लग गई मैं अपनी जाने की तैयारी में। कपड़ा फैला हुआ है, सब कुछ पैकिंग करनी है। और यहाँ देख के पता चल गया होगा आप लोगों को मायके से जाने की गम। यहाँ हमारी बैग पैक करके रेडी हो गई है। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की है और इसकी हम ले रही है मैदान में उसके कपड़े सिलाई करनी है। देखती हूँ उसकी तरह क्यूट सी एक फ्रॉक सिला पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वो कपड़ा नहीं सिलाई की है। वो शायद 1.5 साल हो गया है। शादी के पहले दिन, वो मेहंदी के दिन तक मैंने कपड़ा सिलाई की थी, सबके लिए एक एक लहंगा सिलाई करके दी थी। वो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखे, तो सबका तो कपड़ा इधर नहीं है, 2-3 है, मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। और मेरा जो मेहंदी का वो लहंगा है वो खुद मैंने ही डिज़ाइन की थी, तो दिखाऊँगी आप लोगों को। हमारे कपड़े हो गए कटिंग, अभी कपड़े स्टिचिंग करूँगी तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर काम तो मैं कर रही थी लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बार बार उठना पड़ रहा था रफा के लिए, वो काम नहीं करने देती है। पहले का एक ज़माना मेरा था लेकिन अब नहीं रही, उसको लेके काम करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे तैसे करके काम कंप्लीट किया है और ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाई। कल जाना है घर पर, टाइम भी कम है। तो Thank you.
माशाल्लाह अबीरा को देखो बहुत प्यारी लग रही है, उसकी नज़र ना लगे। और ये फ्रॉक जो है उसको ये कपड़ा जो आप लोग देख रहे हो ये बहुत कम रेट का था और मैंने इसे डिज़ाइन करके बहुत अच्छा बना दिया है। खुद की तारीफ कर रही हूँ और आप लोग बताना आप कैसा मतलब वो डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं। महंगा है उस पर मैं और काम कर सकती थी लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मैं सबको देना था मुझे और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कहे कि फैशन डिज़ाइनिंग का काम मतलब सीख के खुद ही पहन रहे हैं लेकिन मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, इसीलिए मैंने सबको दिया, मेरे कज़न सिस्टर जो भी है सबको दिया अच्छे अच्छे मतलब। ये लहंगा का टॉप जो है वो मैंने अपने कज़न सिस्टर के लिए सिलाई की थी और उसके हैंड पर मैंने ये डिज़ाइन किया था। वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद